और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। गर्मियों का टाइम है, कभी बारिश आ रही है, कभी गर्मी हो रही है, ऐसे में बाथरूम में स्मेल आने लगती है। स्मेल फ्री रखने के लिए आज बताती हूँ ये ट्रिक, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। स्मेल फ्री हो जाएगा और बाथरूम का पॉट भी चमकता रहेगा, और उसकी डीप क्लीनिंग भी आप बार बार नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है। तो चलिए, मुझे चाहिए एक खाली रिफिल। अब आपको लगेगा ये मच्छर भगाने वाली रिफिल का क्या काम बाथरूम में? जी हाँ, ये जो रिफिल खाली हो जाती है ना हमारी, उसको हम यूज करेंगे आज बाथरूम में। तो चलिए इसे हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। इस रिफिल को हम अंदर से खोल लेंगे और इसे साफ भी कर लेंगे। एक बार साफ करने के बाद एक पुराना सा कोई बर्तन ले लीजिए जो आपका यूज नहीं होता, उसमें डाल दीजिए सिर्फ एक चम्मच हार्पिक, जिसे हम बाथरूम क्लीन करने के लिए रखते हैं। अब उसमें मैं दूसरा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा, जो हमारे किचन में ही मिल जाती है। बस थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। दोनों को मिक्स करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा। बच्चों, पुराने जमाने में बाथरूम घर के बाहर आंगन में हुआ करते थे, और एक ही बाथरूम हुआ करता था जिसे स्वीपर आके रोज साफ कर जाता था, जिसे साफ करने में ज्यादा हमें मेहनत नहीं लगती थी। लेकिन आज का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। घर के अंदर रहने वाले सिर्फ दो जने होते हैं, लेकिन रूम्स तीन चार होते हैं, और तीनों चारों रूम्स के साथ अटैच बाथरूम होता है। पुराने जमाने में काम अलग हुआ करते थे, आज के जमाने में काम अलग होते हैं। बाथरूम की सफाई हमें रूम से ज्यादा सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसे स्मेल फ्री रखना होता है, क्योंकि वो रूम के अंदर होता है। उसके बाद जब इसे पूरा मिक्स कर लेंगे, तब आप इसमें दो चम्मच भर के डाल दीजिए विनेगर, सिरका, वो भी आपको किचन में ही मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। बस ये दोनों तीनों चीजें को मिला लीजिए और मिक्स करके एक तरफ रख लीजिए। दो तीन मिनट में आप देखेंगे कि ये जो इसका रिएक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा फूल गया है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर क्या, आपको उस रिफिल के अंदर इसको भरना है। आप यूं ही भर सकते हैं, या एक कोई पुरानी सी कीफ ले लीजिए, उसके साथ आप इसको भर लीजिए। कीफ नहीं है तो एक कागज की कीफ बनाकर भी, या पॉलिथिन की कीफ बनाकर भी आप इसमें भर सकते हैं। अब बारी आती है जब आप इसमें भर देते हैं तो आप इसे पैक भी इसी तरीके से कीजिए। पैक करने के बाद इसे आप हल्के हाथ से लगाइए, बहुत कसके ना लगाइए, ऐसे लगाइए जैसे ये धीरे धीरे थोड़ा लीक होता रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसमें दो तीन आप पतले पतले होल भी कर सकते हैं। मैंने होल नहीं किया, मैंने उसे ऐसे लगाया जैसे ये लीक हो सकता है। अब हम चलते हैं इसे लेकर बाथरूम में। और हाँ बच्चों, गर्मियों के टाइम में आप किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, किस परेशानी से जूझ रहे हो, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आपको लगेगा बाथरूम में इसका क्या काम, इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर जो पानी का टैंक होता है ना पीछे, उसमें आप इसे डाल देंगे। जैसे ही आप डालेंगे ये उल्टी हो जाएगी। अब उल्टी हो जाएगी तो धीरे धीरे वो लीक करती रहेगी। हमारा गंदा जो बाथरूम है ना, वो अपने आप अनजाने में साफ होता रहेगा, क्योंकि जब भी इसको फ्लश करेंगे ये साथ में ये तीनों चीजें ही मिलकर आएंगी, बेकिंग सोडा, हार्पिक और विनेगर। आप सभी जानते हो ये तीनों मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं, इसको बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो हो गया ना काम आपका आसानी से। जिस डीप क्लीनिंग को आप आए दिन करते हो, उसको अब आप हफ्ते में एक बार भी करोगे तब भी चलेगा। बच्चों, ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि गर्मियों में इस प्रॉब्लम को सभी फेस करते हैं। एक और बात, डिपेंड करता है ये रिफिल कितनी यूज हो रही है और आपका ये बाथरूम कितना यूज हो रहा है, तो टाइम टू टाइम आपको देखकर इस रिफिल को वापस इसी तरीके से भरना भी है। तो आप इस रिफिल को इसी तरीके से डाल दीजिए, आज के बाद कोई रिफिल को आप बाहर मत फेंकिए, और इसी तरीके से हर बाथरूम की टैंक में डाल दीजिए। आपका काम बड़ा आसान होगा, आपको ये ट्रिक बेहद पसंद आएगी। और हाँ, ये ट्रिक आपको यदि पसंद आए तो आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो सबको पता चलेगी इस ट्रिक के बारे में।